जब तक पार्टी में हते तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज बनो। सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज बनो। तुम उनकी आवाज थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुलम का शिकार थे वो लोग, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया। अब इसको तुमने माफी मांग करके ठीक कर लिया, माफी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफी मांग के अपने अपना धर्म इसने पूरा कर लिया। हाथ जोड़ के माफी मांगी, पांव पकड़ के माफी मांगी, अब अगर माफी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है। तो पहले जयंत मलैया जी को दमोह में नोटिस मिला था और उनका बेटा पार्टी से निष्कासित है, लेकिन उनके परिवार में भाजपा के सभी नेता गए। तो अगर मैं आज प्रीतम के घर ना आऊं तो पिछड़े वर्गों को यही लगेगा कि हम उनके साथ अन्याय करती है हमारी पार्टी। तो इसलिए मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि प्रीतम ने बहुत बड़ी समाज सेवा की। जब 84 के दंगों में हजारों सिखों को यहाँ भून देने की तैयारी थी तब प्रीतम ने जान की बाजी लगाई, और आज वो लोग उनके लिए जान की बाजी लगाती है। और प्रीतम को आज मैंने एक बात समझाई है कि आप एक जाति विशेष के खिलाफ बोलें ये अच्छा नहीं है, आप सभी गरीब वर्गों की आवाज़ रहे हो। प्रीतम ने पिछोर में सभी गरीब वर्गों की, असहाय और बेसहारा वर्गों की साथ दिया है। उसमें ब्राह्मण वर्ग भी रहा, सवर्ण भी रहे, पिछड़े भी रहे, दलित भी रहे और आदिवासी रहे। अचानक एक ऐसी बात का दुष्प्रचार बहुत ज़ोर से हुआ, और इसलिए आज मैंने उनको कहा है कि जब भगवान ने आपको बना दिया है OBC महासभा में, आप एक महत्वपूर्ण बिंदु हो गए हो, और भगवान ने आपको मसीहा बना दिया है गरीब वर्गों का, तो आप सभी गरीबों को, सभी अभावग्रस्त लोगों को एक जैसा देखो, और आप इस पर फोकस करो कि प्राइवेट सेक्टर में भी ST SC और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, और जो आरक्षण मिला हुआ है वो कम नहीं होना चाहिए, 1% भी कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है, स्वास्थ्य का सेक्टर है, शिक्षा का सेक्टर है, उसमें भी सभी ST SC और OBC लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, और गरीब सवर्णों को भी 10% आरक्षण मिलना चाहिए। मैंने कहा प्रीतम को कि सबको अपने साथ, सब वर्गों को अपने साथ लेकर के चलो, क्योंकि एक बड़ी घृणी राजनीति होती है कि समुदायों को आपस में लड़ा दिया जाए। नहीं, पूरा संसार और खास करके भारतवर्ष, इसमें दो ही जाति बची है, एक है सुविधा विहीन और एक है सुविधा युक्त, बस दो ही जातियाँ हैं। कुछ के पास सुविधाएं हैं और कुछ के पास में सुविधाएं नहीं है, बस दो ही जातियाँ बची हैं, और इन दोनों का अच्छा सामंजस्य मोदी जी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से अच्छी चिकित्सा, अच्छी शिक्षा, रोजगार, ये सभी वर्गों को मिल सकें। इसमें मोदी जी की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है, उसी मार्ग पर प्रीतम सिंह जी चलें। ये मैं आज उनको कहने के लिए आई हूँ। रिश्तेदारी तो उनकी उस परिवार से है जिसमें मैंने जन्म लिया, और ये तो 2012 में जाके हुई है। हम तो प्रीतम को जानते हैं 1989 से, जब प्रीतम एक बहुत बड़ी टीम लेकर के खजुराहो में पहुंचे, और मैं जब पहली बार 2,00,000 मतों से, रिकॉर्ड मत था 2,00,000 उस समय का मध्य प्रदेश का, उस समय चुनाव जीती, उसमें प्रीतम और जलालपुर गांव के नौजवान और आसपास के गांवों का नौजवान गए थे, वो अब सब वो भी प्रीतम के जैसे 60-70 साल के हो चले होंगे, वो लोग सभी लोग वहाँ पर गए थे। आज मैं प्रीतम के घर इसलिए आई हूँ क्योंकि वो और उनकी पत्नी बहुत लोगों का असहाय, विकलांग और जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए अपनी जान की बाजी लगाते हैं। पार्टी ने उनको निष्कासित किया हुआ है, ये पार्टी का अपना फैसला है, और मैं इसमें कुछ बोलूंगी नहीं, और इन सारी बातों में मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन मैं प्रीतम को फिर सलाह दूंगी कि संयत भाषा का प्रयोग करना है आपको, असंयत भाषा का प्रयोग आपको नहीं करना है, और आपकी लड़ाई बुराइयों से हो, कुरीतियों से हो, गलत रीति रिवाजों से हो, अंधविश्वासों से हो, और आपकी लड़ाई सभी गरीब वर्गों के लिए हो, जिसमें ब्राह्मण भी हो, वैश्य भी हो, क्षत्रिय भी हो। और उनने किया है पिछोर में, वो ऐसा उनने अपने आप को बनाया है, पता नहीं कैसे अचानक ये गलतफहमी हुई उनके बोलने से, उन्हीं की भूल से हुई हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि प्रीतम ने नहीं बोला है, बोला, और मैं गुस्सा बहुत हुई कि आपने ये क्या किया, माफ़ी मांगी तुरंत आकर, और ये गलत किया आपने। हम अगर इस तरह से जो अभावग्रस्त लोग हैं,
सुविधा विहीन लोग हैं, अगर इस प्रकार से वो आपस में ही लड़ पड़ेंगे तो वो कैसे लड़ पाएंगे अपने अधिकारों के लिए एकजुट होकर के। हनुमान जी और जामवंती जी की सेना ने हमला बोला है, रीछों ने और बानरों ने, और लंका जला करके ध्वस्त कर दी, क्योंकि उनमें एकजुटता थी और भालुओं में वही ताकत आ गई थी। अन्याय के खिलाफ लड़ने की जो अदम्य लालसा होती है वो व्यक्ति को शक्ति प्रदान करती है, और वो ऐसी शक्ति प्रदान करती है कि बानर जिस रावण को, जो सहस्रबाहु को अपनी बाहों में दबाए हुए था नीचे, जिसके घर पर नौग्रह पूजा कर रहे थे, वरुण देव पानी भर रहे थे, अग्निदेव चूल्हा जला रहे थे और सारे देवी देवता हाथ जोड़ के खड़े थे, उनको बानर और भालुओं की सेना ने रौंद दिया, लंका धूंधू करके जल गई और रामचंद्र जी को विजय दिलाई और राम राज्य की स्थापना की। जैसे राम राज्य की स्थापना में इस देश के गरीब पिछड़े दलित और शोषित और आदिवासी वर्गों का ही योगदान रहेगा, आप देखिएगा, और मोदी उन सबको समेट करके चल रहे हैं। अब प्रीतम जी निष्कासित हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं कहना है, और ऐसा बहुत कम हुआ है जब किसी निष्कासित नेता को पब्लिक ने हाथों हाथ उठा लिया, हम तो रह गए। कई ग्वालियर स्टेशन तो बहुत भीड़ है, कई इतनी भीड़ का है, मुझे बताया एक हमारे परिचित जा रहे थे ट्रेन में, तो कुछ हो गया है क्या, तो लोगों ने बताया कि नहीं प्रीतम आ रहे हैं, पार्टी से निकाले गए हैं और आ रहे हैं, मतलब जब तक पार्टी में हते तब तक इतना नहीं उठाया, और पार्टी से निकाल दिया तो लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं प्रीतम, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे लिए जान दे देंगे। देखो इस तरह से समझो, अपनी कीमत को समझो, सब गरीबों की आवाज़ बनो, सारे देश में अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, सवर्णों में भी अभावग्रस्त लोग रह रहे हैं, उनकी भी आवाज़ बनो, तुम उनकी आवाज़ थे पिछोर में, सभी की, ब्राह्मणों की भी तुम आवाज़ थे, वो भी शोषण का सामंती, शोषण का और जुलम का शिकार थे वो लोग, और प्रीतम उनके साथ भी खड़े हुए थे। ये भेद तुम्हारी गलती से हो गया, ये मतभेद जो हो गया ये तुम्हारी अपनी एक असंयत भाषा से हो गया, अब इसको तुमने माफ़ी मांग करके ठीक कर लिया, माफ़ी नहीं देना ही अब अपराध है, क्योंकि माफ़ी मांग के अपना अपना धर्म इसने पूरा कर लिया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, पांव पकड़ के माफ़ी मांगी, अब अगर माफ़ी नहीं दी गई तो ये बड़ी भारी भूल है, कि अगर इसके बाद भी माफ़ नहीं करोगे तो आप चाहते हो कि लोग गलतियां करते ही रहें। हाँ, अगर लोग अपनी गलतियों का प्रायश्चित करते हैं तो उनको पूर्ण संरक्षण प्राप्त होना चाहिए, और इसलिए मैं प्रीतम को पूरी तरह से आशीर्वाद देने आई हूँ। गरीबों की, शोषितों की हमेशा आवाज़ बने रहना, हमेशा उनके साथ खड़े रहना, देखो तुम्हारे साथ लोग ऐसे खड़े हो गए जैसे कि तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं मैंने लोग देखे, जैसे कि अब देखें, बुराइयों से, दुर्व्यवहारों से लोगों को दूर करो, शराबबंदी की तरफ बढ़ाओ, समाज को शराबबंदी की ओर अग्रसर करो, और तुम लोग भी मेरे साथ में हाथ उठाओ, कि देसी गाय का दूध पियोगे लेकिन शराब नहीं पियोगे, उठाओ हाथ, आदर्श गौशाला देखने आई, जो सरकार और समाज का एक समन्वित प्रयास है, और इसमें सरकार से जुड़े हुए लोग और हमारे यहाँ के जो संत समाज है, और संत हैं हमारे ऋषभदेवानंद जी, और उनके गुरुदेव का आशीर्वाद इस गौशाला के ऊपर है, जिसके कारण मेरी अपनी दृष्टि में मैंने अभी तक जितनी गौशालाएं देखी हैं ये सर्वोत्कृष्ट है। यहाँ 6000 गायें और गौरी मौसी जो आप लोग दिखा चुके हैं वैसी गायें यहाँ पर हैं, और रानी घाटी में भी बहुत बड़ी संख्या में गायें हैं। यही इसी आदर्श उदाहरण को आगे प्रस्तुत करेंगे तो गौशालाएँ गाय को बचाने में समर्थ हो सकेंगी, जिसमें सरकार और समाज का एकीकृत प्रयास होगा। और मैं इसलिए आज मैं तो रोज़ अपील कर रही हूँ कि मधुशाला की जगह पे गौशाला की ओर जाओ, और शराब पीना छोड़ो, देसी गाय का दूध पियो, स्वस्थ रहो और प्रसन्न रहो। या ये निर्णय करना पड़ेगा हमें कि हम उत्तराखंड में गंगा और उसकी सहयोगी नदियों पर किसी भी पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी ना दें, और जिनको मंजूरी दी जा चुकी है वो रद्द कर दें, और जो बन चुके हैं उसमें से एक अविरल धारा कैसे निकले और उसका विनाशकारी रूप कैसे रोका जा सके, ये हम अभी से तय कर लें। ये तय करने में जो कठिनाई है कि इस देश को 3 माफिया हैं जो दैत्य की तरह निगले जा रहे हैं, एक खनन माफिया, एक शराब माफिया, और एक ये पावर जनरेशन का माफिया सामने आ गया है जो लो हैंगिंग फ्रूट पकड़ता है। एक पॉलिसी मेकर्स ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया जो बहुत खतरनाक हो गया है, वो है लो हैंगिंग फ्रूट, यानी जो फल बिल्कुल नीचे है उसको पकड़ के खींच के तोड़ के खा लो। तो उनको लग रहा है कि उत्तराखंड एक ऐसा फल है जहाँ पर कि फटाफट पर्यावरण विदों की मंजूरी मैनेज करो, हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट लगाओ, करोड़ों का मुनाफा हो जाएगा। मैं कह रही हूँ कि उत्तराखंड के विकास के लिए दूसरे रास्ते निकालो जो बेहतर हैं, ज़्यादा रोजगार देने वाले हैं, लेकिन इस प्रकार के हादसों के लिए तो उत्तराखंड को हम ना तैयार करें। मैं बहुत चिंतित हूँ
और इसलिए मैं वहाँ पर जा रही हूँ क्योंकि आचार्य शंकर हमारे परम गुरु हैं। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।